2 साल बाद ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। का त्यौहार है, सभी लोग भाईचारे से मिलकर मना रहे हैं। सब लोगों ने दुआएं की है, प्रार्थना की है कि देश में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा हमेशा रहे। मानवता के नाम पर एक दूसरे के लोगों को मदद करनी चाहिए। आज ये सब लोगों ने मिलकर दुआ की है, तो मेरी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।